हेलो माय सर, डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्केलिंग के बेनिफिट्स के बारे में, यानी दांत साफ करवाने से आपको कितने कितने फ़ायदे हो सकते हैं और आप कितनी सारी डेंटल प्रॉब्लम से इजीली बच सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। डेंटल स्केलिंग जो है आपके मसूड़ों से खून आने जैसी प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। अगर आपके मसूड़ों में ओवर ग्रोथ हो गई है, यानी अगर मसूड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, उसको भी सही करता है। आपके अगर दांत हिलने लगे हैं तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट आपका डेंटल स्केलिंग किया जाता है। आपको पाइले जैसी बड़ी प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन भी सिर्फ डेंटल स्केलिंग से आप कर सकते हो। डेंटल स्केलिंग ऐसे सुनने में बहुत बेसिक सा ट्रीटमेंट है जो हमें नॉर्मली करवाते रहना चाहिए। डेंटल स्केलिंग को आपको हर 6 महीने से करवाना चाहिए। डेंटल स्केलिंग कराने से आपके दांत कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। इस चीज़ के लिए मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके इजीली देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे कि हमें डेंटल स्केलिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। डेंटल स्केलिंग से जो आप सोचते हैं कि हमें ये नुकसान हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के जवाब उस वीडियो में दिए गए हैं, तो आप वो वीडियो इजीली जाके देख सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं मसूड़ों में खून आना। ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी लगती है, कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है हमारे मसूड़ों में से सिर्फ ब्रश करते हैं उसी समय खून आता है, बट इस चीज़ को वो इग्नोर कर देते हैं। बट यही प्रॉब्लम धीरे धीरे चल के काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाती है, जैसे कि मसूड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, मसूड़ों में ओवर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, मसूड़ों की हाइपरट्रॉफी होनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपके मसूड़े जो है दांतों की जगह छोड़ के नीचे चले जाते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में रिसीडिंग गम्स कहते हैं। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम हमें मसूड़े में सूजन आ रही है, हमारे मसूड़े जगह छोड़ के नीचे चले गए हैं, या हमारे जो मुँह में है वो कैलकुलस या टाटर जम गया है, इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये भी पूछना रहता है वो डॉक्टर के पास नहीं जाना, घर पे रह के किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपके दांतों में टाटर या प्लाक का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा कम है या इनिशियल स्टेज में है, तभी आप उसको घर पे रिमूव कर सकते हो। अगर टाटर या कैलकुलस का फॉर्म डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो कभी भी आपके घर पे रहते हुए कम नहीं होता है। घर पे कम रहना या घर पे हम सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को बढ़ने से रोक सकते हैं, तो आप सिर्फ उतना ही कर सकते हैं घर पे। अगर आपके दांतों पे काफ़ी ज़्यादा टाटर या कैलकुलस का डिपोजिशन हो गया है तो आपको डेंटल क्लिनिक पे जाके दांतों की सफाई करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दांतों की सफाई करवाने से आप किन किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो? आप ब्लीडिंग गम से भी छुटकारा पा सकते हो, तंबाकू के जो निशान होते हैं जिनको लोग लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारे दांत काले पड़ गए हैं, हमारे दांतों पे तंबाकू की जो कालापन है वो चढ़ गया, क्या ये हट सकता है? कई बार डेंटल स्केलिंग से तंबाकू के निशान इस तरीके से हट जाते हैं कि लोग बता नहीं पाते हैं कि उनके दांत कभी इतने सुंदर भी थे या इतने सफ़ेद भी उनके दांत हो सकते हैं। पेशेंट खुद कई बार अपने डेंटल स्केलिंग का जो रिज़ल्ट होता है उसको देख के इतना शॉक में आ जाते हैं या इतने खुश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हम लोगों को डेंटल स्केलिंग करवा लेनी चाहिए। कई बार क्या रहता है कि कई लोग गुटखा, सुपारी, तंबाकू ऐसी कोई चीज़ें नहीं खाते हैं, उसके बाद भी उनके मसूड़ों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई लोगों की ब्रशिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होती, यानी ब्रश करने का तरीका अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से दांतों के नीचे वाले दांतों में अंदर की साइड में काफ़ी ज़्यादा टाटर जम जाता है। इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार लगता है कि हमारे बाहर टाटर नहीं दिख रहा, हमारी जो स्माइल हम करते हैं वो ठीक दिख रही है, तो हमारे अगर अंदर टाटर है तो वो चल जाएगा। अगर आपके अंदर टाटर जम गया है, यानी अंदर की साइड अगर आपके टाटर जम गया है, तो वो धीरे धीरे आपके आगे वाली साइड भी टाटर जमना शुरू हो जाता है और आपके दांतों की जो जड़ें हैं उनको बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ में आपकी बोन लॉस भी होने शुरू हो जाती है। तो स्केलिंग से आप अपनी बोन लॉस को भी बचा सकते हैं, आप अपनी सेंसिटिविटी को बचा सकते हैं। टाइम टू टाइम अपने डेंटल क्लिनिक पे जाके अगर स्केलिंग कराते हैं, यानी दांतों की सफाई अगर आप रेगुलर अपने डेंटल क्लिनिक पे जाके कराते हैं, तो उससे आप अपने दांतों में होने वाली सड़न से भी बच सकते हैं, आप अपने मसूड़ों की हर प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बोन लॉस से बच सकते हैं, यानी जो आपकी हड्डी अगर गंदगी की वजह से नीचे खिसक रही है तो वो भी आपको बोन लॉस नहीं होता है स्केलिंग कराने की वजह से। स्केलिंग कराने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप नॉर्मली हर टाइम अगर 6 महीने में जाके अपने डेंटिस्ट के पास एक सिंगल विजिट दे देते हैं, दांतों की सफाई करा लेते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप अपने लाइफ में आगे चल के बच जाते हैं। और जो मसूड़ों की प्रॉब्लम अगर एक बार हो जाती है, अगर इनिशियल स्टेज में वो जो फुली क्योर हो जाती है, कई बार
ऐसी प्रॉब्लम आगे बढ़ जाती हैं जो फुली क्योर नहीं होती और आपको पूरी लाइफ में इसी के साथ ही चलना पड़ता है। तो हमारा सजेशन आपको यही रहेगा कि डेंटल स्केलिंग के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आप सिर्फ एक सिंपल से सॉल्यूशन से बच सकते हो। डेंटल स्केलिंग के चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं है। कई बार लोगों के ये आता है कि मैम हम सफाई करवाना चाहते हैं, बट हम जानना चाहते हैं कि जो दांतों की सफाई के जो चार्जेस होते हैं, यानी कितना खर्चा जब दांतों की सफाई में आता है। दांतों की सफाई में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। दांतों की सफाई में आपका जो खर्चा आता है वो 1000 से लेके 1500 रुपये तक आता है। बट ये खर्चा जो है वो आपको आगे चल के बड़े खर्चों से बचा लेता है। तो अगर अभी भी आपको अपने दांतों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा अपॉइंटमेंट चाहिए या फिर आप हमारे से अपना दांतों का इलाज करवाना चाहते हैं, दिए गए नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।